सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम नए टॉपिक के साथ आज मिल रहे हैं। इसमें क्लास है बीए बीएससी थर्ड ईयर, पेपर सेकंड चल रहा है, भारत का भूगोल है और यूनिट सेकंड चल रही है। यूनिट सेकंड का टॉपिक है व्यापार। व्यापार टॉपिक में से क्वेश्चन बन के आता है, प्रश्न बन के आया है परीक्षा में। किसी भी देश के आर्थिक विकास, किसी भी देश के आर्थिक विकास के मापन का आधार उसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। भारत के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए, यानी आर्थिक विकास के मापन का आधार उसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। भारत के संदर्भ में इसकी व्याख्या करनी है, इसकी विवेचना करनी है कि भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार दूसरे देशों के साथ में व्यापार किस प्रकार से है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। देखो यहां पे अगर उत्तर की बात करें आंसर में, तो देखो पहले परिचय रूप में बताया जाता है किसी देश की व्यापारिक व्यवस्था, किसी देश की व्यापारिक व्यवस्था उसके आर्थिक विकास की द्योतक मानी जाती है। किसी भी देश की व्यापारिक व्यवस्था उसके आर्थिक विकास की क्या मानी जाती है, द्योतक। यानी अगर व्यापारिक व्यवस्था ही नहीं है तो आर्थिक विकास न के बराबर है। तो पहले क्या होता है, व्यापारिक व्यवस्था करनी रहती है। इसके अलावा व्यापार की मात्रा, व्यापार की कितनी मात्रा में व्यापार किया जाता है तथा उनसे प्राप्त होने वाले मूल्य या कितने मूल्य में व्यापार किया जाता है, में दोनों में क्या होती है, सापेक्ष वृद्धि होती है। तो देश की प्रगति का मुख्य प्रतीक माना जाता है कि अगर व्यापार की मात्रा में वृद्धि होगी तथा उससे प्राप्त मूल्यों में वृद्धि होगी तो क्या माना जाएगा, देश की प्रगति का मुख्य प्रतीक माना जाता है। आप देखो इसके बाद में भारत में व्यापार अनेक देशों के साथ होता आया है, यानी भूतपूर्व प्राचीन काल से ही भारत में व्यापार है वो होता आया है। औद्योगिक आयोग, जो औद्योगिक आयोग है, औद्योगिक आयोग 1918 के अनुसार, 1918 के अनुसार देखो क्या कहा है कि ईसा से 3000 वर्ष पूर्व भी भारत में रोम, मिस्र, चीन, असीरिया, दक्षिणी पूर्व एशिया देश तथा मध्य पूर्व के देशों में कच्चा रेशा, जरी और रेशम के बने वस्त्र, भारतीय मलमल एवं छपे कपड़े और बहुमूल्य हीरे जवाहरात जड़े आभूषण, पीतल के बर्तन, गरम मसाले आदि निर्यात किए जाते हैं। यानी ईसा से कब, 3000 वर्ष पूर्व, ईसा से 3000 वर्ष पूर्व, पूर्व में क्या होता था, निर्यात किया जाता था। निम्न जो वस्तुएं आपको बताई उनका निर्यात किया जाता था। योजना आयोग के अनुसार ये बात कही गई है। अब बात करते हैं कि जो विश्व की संपत्ति भारत में आकर जमा होती थी, यूरोपीय देश एवं इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, देखो इंग्लैंड और यूरोपीय देश, इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक, इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय निर्मित माल निर्यात को धक्का लगा। यानी औद्योगिक इंग्लैंड में जो हुई औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, भारतीय जो उद्योग है यानी निर्यात को है, निर्यात को धक्का लगा। यानी इस टाइम में भारतीय निर्यात को धक्का लगा था इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति, निर्यात जो औद्योगिक क्रांति बनी थी उसके बाद में अपनी आवश्यकताओं के लिए मुख्यतः ब्रिटेन पर निर्भर हो गया। ब्रिटेन पर राष्ट्रीय मंडल देशों में भारत की कृषि जन्य पदार्थ एवं अर्ध निर्मित वस्तुएं निर्यात की जाती थी, वहां से निर्मित माल का आयात अधिक किया जाने लगा। इससे भारतीय आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता गया। अब क्या हुआ कि जो ब्रिटेन के ऊपर निर्भर रह गए, तो ब्रिटेन से जो निर्मित माल था वो भारत में लाया जाता, तो इसलिए क्या हुआ, भारत में जो आर्थिक स्थिति है वो उस टाइम पे कमजोर हो गई। इसके आर्थिक पक्ष से क्योंकि जहां दृश्य व्यापार में भारत का लाभ होता था वहां भारत के अंग्रेजी सेना अफसर, अंग्रेजी सेना अफसर व अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रतिवर्ष इस लाभ में कहीं अधिक चुकाना पड़ता था। अब देखो
1947 में क्या हुआ, 1947 में देश में विभाजन हो जाने पर कच्चे जूट, कच्चे जूट, कपास, चावल, गेहूं उत्पादक, चावल गेहूं उत्पादक क्षेत्र आदि क्षेत्र थे, वो कहां से लगे, वो क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान में चले गए इसलिए भी क्या हुआ, यानी इसके कारण क्या हुआ, औद्योगों के लिए कच्चे माल में कमी आई। पाकिस्तान में चले गए इससे क्या हुआ, औद्योगों में कच्चे माल में कमी आई, यानी औद्योगिक कच्चे माल में कमी आई, क्योंकि जो कच्चा जूट था, कपास था, चावल गेहूं उत्पादक क्षेत्र था, ये कहां पे चले गए, पाकिस्तान के अंदर चले गए। इसलिए क्या है, वहां पे मुख्य रूप से क्या हुआ, औद्योगिक कच्चा माल में कमी आई। इसके साथ ही साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारतीय विदेशी व्यापार की न केवल दिशा ही बदली, वरन इस व्यापार की प्रकृति भी बहुत अधिक परिवर्तन आ गया। भारत में निर्मित मशीनी औजार जर्मनी, चेक गणराज्य तथा अमेरिका को रेल सामग्री, ब्रिटेन, मलेशिया, अमेरिका, सोवियत, रूस, हंगरी को रेफ्रिजरेटर, हंगरी व पूर्वी यूरोपीय देशों को गृहजल तथा बेल्जियम को चीनी तथा सूती वस्त्र उद्योग की मशीनें, युगांडा, तजानिया, इथियोपिया को सैन्य चिकित्सा और औजार, कनाडा को तथा इंजीनियरिंग सामान, चिकित्सा औजार कनाडा तथा उपकरण आदि विशेष रूप से निर्यात किए जाते हैं। अब भारत मुख्यतः कलात्मक वस्तुओं, अर्धनिर्मित माल, इंजीनियरिंग व कंप्यूटर वस्तुओं एवं परिवहन सामग्री का प्रमुख निर्यातक देश बन गया। देखो भारत की व्यापार को है वो चार भागों में बांटा जाता है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, अब भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके चार भागों में भारत की व्यापार को चार भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट अगर बात करें तो वह है आंतरिक व्यापार। सेकंड है वो है सीमा प्रांतीय। सीमा प्रांतीय अगला है वो है तटीय व्यापार। फोर्थ है वो है पुनर् निर्यात व्यापार। ये चारों है, इसमें आंतरिक व्यापार देखते हैं पहले। फर्स्ट है आंतरिक व्यापार। फिर इसके बाद लेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत जैसे विशाल देश के लिए आंतरिक व्यापार का महत्व बहुत अधिक है, यानी इसके व्यापार का महत्व बहुत अधिक है। महत्व बहुत अधिक है। अब इसमें क्या है, यह व्यापार विदेशी व्यापार का 20 गुना 1947 में भारत का आंतरिक व्यापार 7 से 8 हजार करोड़ था, जबकि कुल विदेशी व्यापार 1950 में, कुल विदेशी व्यापार 1950 में कितना था, 600 करोड़। था
1950 ईस्वी में कितना था? 650 करोड़ था। इसमें वृद्धि भी इसी अनुपात से होती रही। कई बार आंतरिक व्यापार, जनसंख्या की तेजी में वृद्धि, आर्थिक सुधार एवं बढ़ते व्यापार औद्योगिकरण कारणों से तेजी से बढ़ा। बाद में 1990 में आर्थिक व्यापार एवं नवीन आर्थिक नीतियां, लाइसेंस राज के प्रतिबंधन की समाप्ति होने से विदेशी व्यापार में भी अधिक तेजी से वृद्धि होती गई। आज यह आंतरिक कई गुना बढ़ गया। अब बात करते हैं, देखो समस्त भारत को आंतरिक व्यापार की सुविधा से 36 खंडों में बांटा गया है तथा व्यापार आंतरिक व्यापार की वस्तुएं इन श्रेणियों में विभाजित की गई है। वह है कोयला। अब देखो इसमें कोयला जो आंतरिक व्यापार है वो है कोयला, रुई, इसमें कच्ची रुई आ जाती है, सूती वस्त्र, आटा, जूट के सामान यानी बने हुए बोरे, विभिन्न प्रकार का इस्पात का सामान, इस्पात का सामान, तिलहन, शक्कर व अन्य निर्मित सामान। तो ये मुख्य रूप से जो व्यापार था वो स्टार्ट हुआ। आंतरिक व्यापार देश के विभिन्न भागों में रेल, सड़क मार्गों, नदियों द्वारा देश के प्रमुख बंदरगाहों तथा विभिन्न राज्यों के बीच भी होता है। प्रथम प्रकार के व्यापार के अंतर्गत देश की कृषि जन्य। अब इसमें क्या हुआ, प्रथम प्रकार में कृषि जन्य यानी फर्स्ट क्या हुआ, कृषि जन्य वस्तुओं का निर्यात किया जाने लगा। निर्यात की जाने लगी यानी कृषि से निर्मित और कृषि से उत्पन्न होने वाली इनको ही निर्यात किया गया है। इसके अलावा विदेशों से आयात माल बंदरगाहों द्वारा प्राप्त कर उसे देश के भीतरी भागों में वितरित किया जाता था। देश का अंतरराष्ट्रीय व्यापार मुख्यतः कोलकाता, हल्दिया, चेन्नई, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पतन, मार्मा गोवा, विशाखापट्टनम, पारादीप, नया बेंगलोर, तुतीकोरिन, कांडला और कोची बंदरगाहों से होता था। देश का आंतरिक व्यापार विभिन्न राज्यों के बीच होता है। इस व्यापार में पश्चिम बंगाल, असम, पूर्वांचल, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश अपने यहाँ से वस्तुओं का निर्यात अधिक करते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा कर्नाटक राज्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य राज्यों से आयात करते हैं। रेलों, सड़कों और नदियों द्वारा होने वाले इस व्यापार की मात्रा लगभग 300 करोड़ टन हो गई थी। यानी इसकी कितनी हो गई थी मात्रा, 300 करोड़ टन हो गई। इसके बाद में रेल, सड़कों और नदियों से आने जाने वाली वस्तुओं में मुख्यतः वस्तुओं में कोयला सबसे, देखो यहाँ पे अगर प्रतिशत की बात की जाए तो जो आंतरिक व्यापार है वो कितना था। तो अगर इसमें बात करें तो कोयला 33%, कोयला 33% तथा इस्पात जो लोहा इस्पात है वो 7.8, सीमेंट वो 7.2 तथा गेहूं 4%, चावल 3.9% तथा चीनी और गुड़ 3.95% तथा नमक 2%, पेट्रोलियम उत्पादन 11.3%, खनिज लोहा तथा तिलहन
वह दाले, ये 5% तथा लकड़ी जो इमारती वगैरह लकड़ी थी ये 2.7% तथा अन्य जो निर्मित वस्तुएं हैं वो 16%, अन्य निर्मित वस्तुएं हैं वो 16%, यानी कुल ये आंतरिक व्यापार है, यानी राज्यवार व्यापार है, यानी आंतरिक व्यापार की संरचना है इसमें कि वस्तुओं का, रेल, सड़कों और नदियों से आने जाने वाली वस्तुओं का जो लेखा जोखा बताया इन्होंने। अब अगर राज्यवार अगर बात की जाए यहां पे तो पश्चिम बंगाल से देखो क्या क्या होता है। पहले अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में कोयला, जूट के बोरे, टाट, लोहे और इस्पात का सामान, विभिन्न प्रकार की मशीनें, मोटर गाड़ियां, दवाइयां, सूती रेशमी कपड़े, कागज, रासायनिक पदार्थ। सेकंड है झारखंड से कोयला, लोहा, इस्पात का सामान, खाद्य, शक्कर, तिलहन, सीमेंट व खनिज। ओडिशा से जूट, ओडिशा से जूट विभिन्न प्रकार का सामान है, इसमें जूट, चावल, तिलहन, गेहूं, यानी विभिन्न प्रकार का खाद्य सामग्री है वो है। लोहा ऐसा तथा अवय अन्य खनिज व अन्य खनिज, ये हो गया ओडिशा से। अब बात करते हैं जैसे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में चीनी, गुड़, सूती और ऊनी वस्त्र, कागज, कांच का सामान, इंजीनियरिंग सामान आदि। पंजाब, हरियाणा से चना, गेहूं, कपास, शक्कर, चावल, कृषि की मशीनें, होजरियों का सामान, वैज्ञानिक उपकरण, लकड़ी, कागज, फल, सब्जियां आदि। असम व पूर्वांचल से खनिज तेल, जूट, चाय, नारंगियां, लकड़ी एवं प्लाई। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व तमिलनाडु से तिलहन, सूती कपड़े, रेशमी धोतियां, चीनी, मैगनीज, चमड़ा, पशु अभ्रक, इस्पात। राजस्थान से अगर बात करें तो राजस्थान से नमक, कपड़ा, खाले, अभ्रक, घिया, पत्ता, पशु डेयरी पदार्थ, अनाज, ऊन, तिलहन, संगमरमर, चूना व बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट एवं नारंगी। मध्य प्रदेश से कपास, सूती, रेशमी कपड़े, गेहूं, संतरे, तिलहन, लोहा, इस्पात, बॉक्साइट एवं अन्य खनिज। महाराष्ट्र, अगर गुजरात की बात करें अगर इनकी बात करें व्यापार में तो अंतर जो आंतरिक व्यापार है तो यहां से ऊनी वस्त्र और रेशमी कपड़े, डेयरी सामग्री, रसायन, सीमेंट, शक्कर, कपास, तिलहन व तेल, कांच और विविध प्रकार की हल्की इंजीनियरिंग वस्तुएं, दवाइयां। कर्नाटक से ऊनी और रेशमी कपड़े और चीनी, चंदन की लकड़ी का सामान, काजू, चमड़ा, पशु आहार आदि अन्य का निर्यात किया जाता था। तो ये आंतरिक व्यापार के मुख्य क्षेत्र थे। इसके बाद में देखो सीमा प्रांतीय या स्थलीय व्यापार। स्थलीय व्यापार, स्थलीय व्यापार भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किमी है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है, जो उसके उत्तर पश्चिम और पूर्वी भाग में फैली हुई है। केवल उत्तर पश्चिम एवं पूर्व ही व्यापारिक मार्ग उपलब्ध है। देश और ऊंची गगन चुम्बी चोटियां, घने जंगल और गहरी घाटियां है। भारत का सीमांत प्रांत
सीमांत प्रांतीय स्थलीय व्यापार मुख्यतः उसके पड़ोसी देशों अफगानिस्तान पाकिस्तान। अब ये देखो ये व्यापार किसके साथ में होता है, जो सीमा प्रांत यानी सीमा के पास में है, सीमा के पास में है तो इनके जो पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, सेकंड है पाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश तथा चीन, ईरान, चीन, ईरान, ईरान, नेपाल, भूटान, मध्य एशिया। मध्य एशिया के देश या मध्य एशिया के विभिन्न देश। अब बात करते हैं कि इन सभी देशों में प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, यानी इन देशों में प्राकृतिक जो संसाधन है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, मानते हैं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है यहाँ पे, किंतु उत्पादन कम होने क्यों क्या होता है, उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम होने के कारण क्या करता है, दूसरे देशों से निर्यात किया जाता है या दूसरी वस्तुओं से दूसरे देश से खरीदी जाती है। अतः भारत समुद्री व्यापार की तुलना में सीमा प्रांतीय व्यापार प्राय नगण्य सा है, ऐसा माना जाता है बहुत कम होता है। भारत में सीमा प्रांतीय देशों को सूती वस्त्र, रंग मशीन, कटलरी मशीन, मिट्टी का तेल यानी इसमें है खनिज तेल, शक्कर, तंबाकू, चमड़े का सामान, चावल, गेहूं यानी खाद्यान्न वाली वस्तुएं, नमक, दालें, परिधान, रसायन, दवाइयां, रेशमी वस्त्र निर्यात किए जाते हैं। इन देशों से भारत में ऊन, कच्चा रेशम, फल, सूखे मेवे, सब्जियां, जड़ी बूटियां, तंबूर, तंबाकू, चमड़ा और खाले तिलहन, पशु सुहागा, सेना, नमक, कपास आदि का आयात किया जाता है। अगर यहाँ पे अफगानिस्तान से भारत को विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां, हींग, ऊन यानी अफगानिस्तान से अगर कोई सी वस्तुएं आती है तो इनमें विभिन्न प्रकार की क्या आती है, सब्जियां आती है, जड़ी बूटियां आती है, विभिन्न प्रकार की सब्जियां हो गई, जड़ी बूटियां हो गई, हींग हो गया, विभिन्न प्रकार के मसाले हो गए, सीमेंट हो गई, चमड़ा का सामान हो गया, इंजीनियरिंग सामान हो गया, साबुन हो गया, उपभोक्ताओं का निर्यात होता रहा है यानी निर्यात करते रहे। भारत से बांग्लादेश में सूती वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान, गुड़ लोहे, गुड़ लोहा इस्पात, कोयला, सीमेंट, सूती मशीनें, दवाइयां, वनस्पति तेल, नमक, मसाले आदि निर्यात किए जाते हैं। और बांग्लादेश भारत को जूट, चमड़ा यानी एक देश से वापस भी दिया जाता है तथा इन देशों में ऐसे नहीं प्राकृतिक साधन बहुत है, इनमें कुछ प्राकृतिक संसाधन है जो भारत को भी देते हैं, यानी भारत भी इनसे मंगाता है कुछ चीजें, ऐसे नहीं इन्हीं इनको बेचता है, भारत इनके कुछ चीजों के लिए इन पे भी निर्भर रहता है। जिस प्रकार से अखबारी कागज, लकड़ी आदि वस्तुएं वार्षिक इसका आयात देखे जाए तो निरंतर वृद्धि की कगार पर। अब देखो अगला है तटीय व्यापार, तटीय व्यापार, तटीय व्यापार देश की तटरेखा का अनुपात में भारत के तट पर प्राकृतिक उन्नत बंदरगाहों का अभाव है, अतः तटीय व्यापार उतना अधिक उन्नत नहीं है। सामान्यतः तटीय व्यापार दो प्रकार से होता है, अंतर्देशीय व्यापार और विदेशी व्यापार, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला आ गया अंतर्देशीय,
और सेकंड आ जाता है विदेशी। यानी देश के अंदर और दूसरा विदेश में। तो देश के विभिन्न भागों व प्रांतों के मध्य सड़क व रेल मार्ग, नहरों, नदियों व तटीय जलमार्गों से, बंदरगाहों के माध्यम से होता रहता है। इसमें औद्योगिक केंद्रों एवं अधिक पैदावार के क्षेत्रों से अन्य मांग वाले क्षेत्रों की ओर वस्तुएं विशेष बड़ी मात्रा में भेजी जाती है। विदेशी व्यापार में है यह मुख्यतः आपसी व्यापारिक समझौते के अनुसार विभिन्न देशों के बीच में किया जाता है। यानी एक देश से दूसरे देश की व्यापार जो भी क्या है समझौते हो रखे हैं उनके अनुसार, इन समझौतों के अनुसार क्या करते हैं, एक देश को दूसरे देश से भेजे जाते हैं। यह प्राय देश के प्रधान बंदरगाहों से व मान्य समुद्री मार्गों से होता है। भारत का ऐसा व्यापार वर्तमान में लगभग 100 देशों के साथ सभी महाद्वीप विचारधाराओं में होता है। अब अगला है पुनः व्यापार के देखो, पुनः निर्यात व्यापार। पुनः निर्यात व्यापार है, इसके अंदर भारत की विदेशी व्यापार की एक विशेषता यह है कि भारत विदेशों से कई प्रकार की वस्तुएं आयात करता है। यानी भारत आयात तो करता है अलग चीजें, अब आयात कर लिया इसको यहाँ पे क्या करता है उनका फिर निर्माण करता है, यानी दूसरी वस्तुओं का इनसे निर्माण करता है फिर वापस निर्यात कर देता है। निर्माण फिर से निर्यात कर देता है, यानी अन्य देशों से कोई वस्तु मंगाना तथा निर्माण करना और वापस उसको भेज देना, यानी कुछ मॉडिफाई कर देना उसके अंदर। तो पुनः निर्यात की दो दशाएं होती है, देश के स्थित मध्यवर्ती होना चाहिए जिससे सीमावर्ती पड़ोसी देशों को विदेशों से आयात की गई वस्तुएं सुगमता पूर्वक भेजी जा सके। इस दृष्टि से भारत की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर के सिरे पर स्थित होने पर यह दक्षिण पश्चिमी एशिया के देशों से पुनः निर्यात व्यापार करने की स्थिति है। देशों में आयातित वस्तुओं का पुनः रूप बदलकर यानी स्वरूप बदलकर निर्यात करने का या पुनः निर्यात के लिए अपना जहाजी बेड़ा विकसित होना चाहिए, किंतु भारत का अधिकांश पुनः निर्यात व्यापार स्थल मार्ग से नेपाल, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से करता है। भारत का पुनः निर्यात व्यापार मुख्यतः भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और सीएसआई के मध्य एशिया देशों में अधिक किया जाता है। इस बाकी पूर्व देशों में सर्वाधिक होता गया है। अब देखो भारत के विदेशी व्यापार, या इसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी बोल सकते हैं या विदेशी व्यापार भी बोल सकते हैं। यद्यपि भारत में विश्व का लगभग 17%, यानी विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या करती है, विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, विश्व की 17.5 जनसंख्या निवास करती है, किंतु विश्व निर्यात में भारत का कितना प्रतिशत है, केवल 1.7%, केवल 1% ही है, 1.7% निर्यात स्थल का भाग है। अब देखो भारत के विदेशी व्यापार की कुछ मुख्य जो विशेषताएं हैं वो देखो, विश्व व्यापार में भारत का निम्न भाग, अब देखो विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा बहुत ही कम है। यद्यपि देश में कुल व्यापार में सुधार हुआ है फिर भी निर्यात व्यापार में भारत का हिस्सा अभी भी 1.7 पर बना हुआ है, केवल 1.7%, जबकि चीन का हिस्सा 7.8% है। यानी विदेशी व्यापार में चीन का हिस्सा कितना है, 7.8% है, तथा कोरिया का हिस्सा 2.7% है, तथा सिंगापुर का हिस्सा
यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अलग देशों की है तो है 2.3% है, यानी यह हिस्सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में है दूसरे देशों। विश्व में भारत का 1%, चीन का 7.8%, कोरिया का 2.7%, सिंगापुर का हिस्सा 2.3% है। अधिकांश भारतीय जो व्यापार है लगभग 94%, यानी अधिकांश भारतीय व्यापार वो किससे होता है, समुद्री मार्गों से। समुद्री जल मार्गों द्वारा होता है, क्योंकि समुद्री जल मार्गों द्वारा होने वाला व्यापार क्या होता है, उत्तम, सुगम और सस्ता माना जाता है। सीधी सी बिल्कुल इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता है। समुद्र यानी 95 यानी 95%। अब इसमें भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तिब्बत व मध्य एशिया स्वल्प विकसित हुए हैं। इन देशों का व्यापार अधिक नहीं है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान व अफगानिस्तान को भारत से निरंतर निर्यात ज्यादा होता है, आयात कम होता है, अतः व्यापार एक सीमा तक ही बढ़ सकता है। हिमालय पर्वत के कारण भारत और इन देशों के बीच मार्गों की सुविधा नहीं है, अतः हमारा व्यापार समुद्री बंदरगाहों द्वारा ही अधिक होता है। अब देखो भारत में जो विदेशी व्यापार की दिशा है किस प्रकार से, विदेशी व्यापार की दिशा की अगर बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आयात निर्यात देश भर प्रगति समय समय पर परिवर्तन हुआ है, यानी स्वतंत्रता के बाद इस विदेशी व्यापार में भी चेंजेज हुआ, वो देखो कितना चेंजेस क्या क्या हुआ। अगर वर्ष 16-17 की बात की जाए, 16-17 की अगर बात की जाए विदेशी व्यापार, तो इसमें भारत का विदेशी व्यापार है 44,47,095 करोड़ रुपए पहुंच गया। तथा वर्ष 2017-18 में अगर इस बात की जाए 36,23,710 करोड़ रुपए पहुंच गए। वर्ष 17-18 के दौरान भारत का व्यापार वस्तुओं का निर्यात 14,41,420 करोड़ रुपए था, जबकि 2016 में कुल निर्यात 18,49,429 करोड़ रुपए था। इस प्रकार निर्यात में वृद्धि रही, भारत में निर्यात यह वृद्धि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ विश्व की कई बड़ी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा बहुत अधिक है। इसी के साथ आयात वर्ष की तुलना में 16-17 की तुलना में ये 18-17-18 में बढ़ा है, यानी ये बढ़कर व्यापार 16-17 में हो गया है। टोटल व्यापार की अगर बत करें इसके साथ जो आयात, ये तो था निर्यात, और आयात की बात करें तो आयात अलग है। अब भारत का जो विदेशी व्यापार है उस विदेशी व्यापार के साथ में वर्ष 2017-18 में निर्यात किया हुआ भाग है वो देखो। विदेशी व्यापार 17-18 में विदेशी व्यापार है तो ऊपर लिख देता हूं निर्यात, इसमें आयात, आयात तथा कुल व्यापार 2016-17 के अनुसार इसका व्यापारी देखा जाए तो भारत के व्यापारिक संबंध विश्व के सभी भौगोलिक क्षेत्रों से अलग अलग रहे। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार अगर देखे जाए तो इसमें जो पड़ोसी देश है भारत के, जो अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूप में जो भारतीय व्यापार रहा है उसकी दिशा भी निम्न है। इसमें सर्वप्रथम देखते हैं कि
2017-18 है उसमें 14,41,420 करोड़, ये करोड़ के अंदर है, करोड़ रुपए का टोटल व्यापार था। इसमें आयात किया वो 21,82,290 करोड़। टोटल 21,82 ये आया, यानी भारत ने विदेशों से इतना मंगाया था। इसमें टोटल अगर बात करें तो 36,23,710 ये टोटल भारत का आया और निर्यात दोनों को मिला के करोड़ रुपए में था। यह है भारत की व्यापारिक संबंध विश्व के सभी भौगोलिक क्षेत्रों से है। वर्ष 2000 देखो, यह आपने उतार लिया होगा। सत्रह के दौरान भारत में कुल निर्यात 49% एशियाई देशों में हुआ, यानी 16-17 में अगर व्यापार देखें तो यहां पे जो 16-17 में विदेशी व्यापार था, यानी कुल निर्यात था, कुल निर्यात उसका 49.7% एशियाई देशों के साथ था। एशियाई देशों के साथ हुआ तथा इसके बाद 19.9% अमेरिका के साथ में हुआ तथा 19.3% यूरोप के साथ, यूरोप के साथ में किया गया। इसके बाद में अगर भारत का जो आयात है, अगर ये तो क्या है निर्यात, अगर आयात की बात करें, तो आयात में भारत क्या है, इसमें सर्वाधिक आयात एशिया से, एशिया के जो देश है उनसे आयात कराता है कितना प्रतिशत, 60%। यानी ये निर्यात को कितना करता है, 49.7% के लगभग, और आयात कितना कराता है एशिया के देशों से, वो करवा कितना करवाता है एशिया के देशों से, वो करवाता है 49.7। अब हो गया आयात कितना है 60%, इसके अलावा जो अन्य देश है उनसे कितना करवाता है, देखो यूरोप से हो गया 16%, अमेरिका से 12%, तथा चीन से 15.9%। अब देखो वर्तमान जो दिशा है विदेशी व्यापार की, वर्तमान में हाल ही के वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार की न केवल मात्रा में वृद्धि हुई है, यानी वर्तमान में क्या हुआ है, विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई, वृद्धि किस प्रकार से हुई है, उदाहरण के लिए देखें, पहले 1991 तक भारत का व्यापार पूर्व सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के साथ उन्नत स्तर पर था। उस समय भारत के निर्यातों का 18% पूर्व सोवियत संघ एवं अन्य देशों के साथ में 18% था, किंतु सोवियत संघ के विघटन तथा पूर्वी यूरोपीय अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप परिवर्तन के पश्चात इन देशों को किया जाने वाला निर्यात घटकर महज 1% ही रह गया। अगर विविध आर्थिक संगठनों तथा व्यापारिक समूहों के साथ भारत के व्यापारी व्यापार के संदर्भ में विचार करें,
या देखा जाए तो सर्वाधिक व्यापार ओईसीडी राष्ट्रों के साथ अकेले यूरोपियन संघ के देशों के साथ भारत के अपने निर्यात व्यापार का 17% एवं आयात का 11% भाग संपादित करता है। हालांकि मुख्य रूप से वर्षों में पश्चिमी यूरोप व्यापार खुश होकर कम होकर पूर्व एशिया ओशिनिया देशों में सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि दक्षिणी पश्चिम यूरोपीय देश आर्थिक मंदी से ग्रस्त है। ऐसे इन देशों की जो व्यापारिक स्थितियां हैं वो शीतल पड़ गई है। दूसरी ओर ओशिनिया देश के अतिरिक्त अगर बात करें तो उनमें जापान है। जापान में भारतीय वस्तुओं की मांग निरंतर बढ़ रही है। भारत के कुल विदेशी व्यापार का 55% लगभग भारत का संपादन एशियाई देशों जिनमें ओशिनिया देश प्रमुख है। देश के विशेष के संदर्भ में इस समय भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हो रहा है। यानी देश के विशेष संदर्भ में अगर बात करें वर्तमान में तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक व्यापार अमेरिका के साथ भी हो रहा है। अमेरिका के साथ सर्वाधिक व्यापार हो रहा है। इससे भी सकारात्मक पहलू यह है कि भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में है। यानी भुगतान संतुलन क्या है? भारत के पक्ष में, तो अच्छी खबर है। यानी आर्थिक विकास के मापन की अगर बात करें तो इसमें क्या है, भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में अच्छी बात है कि भारत में कम सोना यानी मुद्रा का ज्यादा उठाव उठाक होता रहता है, फिर भी भारत के संतुलन बना के चल रहा है वर्तमान में। लंबे अतः भारत अमेरिका को आयात की तुलना में कहीं अधिक निर्यात भी कर रहा है। लंबे समय तक अमेरिकी व्यापार कानून की धारा सुपर 301 एवं 301 के कारण अमेरिका के साथ व्यापार में एक हद तक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा दिखाई दिया है, किंतु 11 सितंबर 2001 के बाद में व्यापक विदेशी व्यापार की सूचना आ गई, यानी संतुलन पे वापस पड़ गया है। भारत के विदेशी व्यापार की संरचना अगर देखे जाए तो 1950 से लेकर 16-17 तक विदेशी व्यापार के अनेक गठन किए, अनेक संरचनात्मक परिवर्तन हुए तथा विदेशी व्यापार का वह है संतुलन भी बना के रखा है। अगर बात करें भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि योजना अवधि में हमारा व्यापार संतुलन प्रकृति प्रतिकूल ही रहा है। केवल 1972-73 एवं 76-77 में हमारा व्यापार संतुलन अनुकूल था। हालांकि समय के साथ भारत ने व्यापार में मात्रा मूल्य दोनों दृष्टियों से वृद्धि हुई है, फिर भी इस वृद्धि को रोकने में संतोषजनक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि प्रथम दो विदेशी व्यापार की वृद्धि के साथ साथ व्यापार संतुलन का घाटा भी उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। यानी जो घाटा है वो भी अन्य देशों के साथ में है तो बढ़ता जाता है। अगर हम बात करते हैं भारतीय ओशिनिया स्वतंत्र व्यापार समझौता, अब देखो 13 अगस्त जो 2009 थे इसमें एक समझौता हुआ था, भारत आसियान स्वतंत्र व्यापार समझौता। इसमें 20 संसदीय आसियान के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 2010 में प्रभावी होने पर इस व्यापार जो समझौता था दोनों पक्षों के बीच वर्ष 2016 तक लगभग 4000 उत्पादों का सुलभ मुक्त आयात निर्यात किया जाने लगा। 489 अति संवेदनशील उत्पादों को मुक्त सुलभ से बाहर रखा गया। इस समझौते के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में बीच व्यापार जो वार्षिक व्यापार है $40 अरब से बढ़कर $60 अरब हो गए। अगर हम भारत यूरोप व्यापार की अगर बात करें तो भारत अगर यूरोप की बात करें तो 2016-17 के दौरान भारत की निर्यात का व्यापार जो निर्यात था वो 19.3% यूरोप के देशों के साथ में हुआ। 16-17 में ये है 356 करोड़ रुपये का मूल्य का निर्यात हुआ। इस समय यूरोपियन संघ के 27 देश शामिल है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, साइप्रस, चेक गणराज्य यानी अन्य जो यूरोपियन देश शामिल है। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है कि परिणाम जो अफ्रीकन व्यापार है कुछ अफ्रीका वगैरह से भी व्यापार होता है तो इसमें जो परंपरागत वस्तुओं का तथा भारत से आयात निर्मित होती है, राजकोषीय आयात की जो वस्तुएं हैं तथा मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं आती है इसमें निर्मित तथा भारतीय जो सिली सिलाई वस्त्र है सूती वस्त्र है तो ये निम्न प्रकार से इसका परिवर्तन होता रहता है। अब भारत में इसके लिए भारत की जो विदेश व्यापार नीति है
व्यापार नीति, इस नीति को 2015 से 20 तक बनाया गया। जो विदेश व्यापार नीति है केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2015 को कब बनाई गई विदेशी व्यापार नीति, 1 अप्रैल 2015 में विदेश व्यापार नीति की घोषणा की गई। नई विदेश व्यापार नीति में निर्यातों को मिलने वाले इंसेंटिव में कई परिवर्तन किए गए, यानी इनसे इस व्यापार नीति में क्या किया गया, इंसेंटिव में परिवर्तन किया गया। वहीं मेक इन इंडिया कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स कमीशन EPCG के अंतर्गत सुलभ में छूट पाने के लिए निर्यातकों को निर्यात में शर्तें राहत प्रदान की गई। ई कॉमर्स व्यापार के माध्यम से जो हैंडलूम उत्पाद, लेदर फुटवेयर, खिलौना आदि पे अलग अलग किया तथा इस नीति के अंतर्गत बाजारों का वर्गीकरण किया गया। विदेशी व्यापार तथा एक्साइज ड्यूटी थी उसको प्रोत्साहन दिया गया। राज्यों के साथ सहयोग किया गया। सरकार के अभियानों को सहायता दी गई है। इससे भारत में क्या हुआ, भारत में निर्यात संवर्धन हुआ है और प्रोत्साहन को भी मिला है। भारत में कुछ जो प्रतिकूल व्यापार संतुलन को ठीक करने के लिए था तथा विदेशी जो ऋण भार को कम करने के लिए था, विकसित योजनाओं की सफलता के लिए, नवीन वस्तुओं के निर्यात के लिए तथा स्वावलंबी अर्थव्यवस्था बनने के लिए, यानी देश को विदेशी जो ऋणों की जो भार है उसके लिए क्या है, देश को जो विदेशी ऋणों की भार ज्यादा बढ़ गया इसको संतुलन करने के लिए, यानी देश को विदेशी ऋणों को भार से मुक्ति दिलाने एवं जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए निर्यात को बढ़ाया गया। अब इसके लिए विभिन्न संगठनों की स्थापना की जाएगी। इस जो आत्मनिर्भर बनाने तथा व्यापार विकास संस्था की स्थापना, राजकीय व्यापार निगम की स्थापना, निर्यात दरों की स्थापना, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना, ग्रीन कार्ड की स्थापना, निर्यात प्रसंस्करण, निर्यात संवर्धन क्षेत्रों को आर्थिक क्षेत्र क्षेत्र में रूपांतरण करना, निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना, उधार लाइसेंस प्रणाली, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन बनाना, राजस्व एवं मौद्रिक उपाय विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना और उत्पादक कोष, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता योजना आदि बढ़ाना। तो इस प्रकार से जो टोटल स्कीमें हैं भारतीय व्यापार के क्षेत्र में, वो व्यापार को संतुलित करने में और अधिक से अधिक भारत हर चीजों का निर्यात कर सके, इसके लिए हर प्रकार के संगठन तथा हर प्रकार के क्षेत्र में इसको सुझाव देते रहे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए तथा इनके जो PDF है उसको पढ़ते रहिए, साथ के साथ कॉपी पेन साथ में रखिए तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, धन्यवाद।